The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, thand ka mausam aa gaya hai aur cold weather mein bahut hi prime टाइम होता है कि सभी का नाक बंद होने लगेगा, गला खराब होता है, किसी को आंखों में वाटरी इची आईज हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, साइनस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ आए कि आपको सर्दी है, खांसी है, यानी कि कोल्ड है, कि वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी है, कि साइनस इन्फेक्शन है, साइनसाइटिस है, क्या हुआ है उसको जानने का तरीका और उनमें डिफरेंस क्या है, आज इसको हम बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको एलर्जिक टेंडेंसी अगर रहती है तो वो आपको पहले से पता होगी, हर साल होता है, अगर हर साल होता है तो इट माइट बी एलर्जिक, राइट? क्योंकि कोल्ड जिसे कहते हैं वो कोल्ड एक एलर्जी नहीं है, वो वायरस इन्फेक्शन है। कोल्ड वायरस के वजह से होता है, एलर्जी बिकॉज ऑफ एलर्जन के वजह से होता है। किसी को ठंडे इन्वायरमेंट से भी एलर्जी हो सकती है, किसी को गर्म में भी सर्दी हो सकती है, गर्मी वाले इन्वायरमेंट में पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, तो बहता हुआ नाक उनको गर्मी में भी आ सकता है नाक, और ठंड के इन्वायरमेंट में एलर्जिक टेंडेंसी किसी किसी की बढ़ सकती है। जब हम एलर्जी बोलते हैं तो कोल्ड वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी एलर्जेंस के वजह से, और दोनों ही नाक में हो सकते हैं, दोनों के सिम्टम नाक में हो सकते हैं, और दोनों ही केस में जब ये सिम्टम नाक से कनेक्टेड साइनसेस में घुस जाएं, नाक के अंदर ब्रेन पे आपके स्कल में हड्डी, जो स्कल की हड्डी के अंदर जो साइनसेस हैं, देयर आर थ्री साइनसेस, यहां पर हैं, नाक के पीछे हैं, इवन यहां भी हैं, तो तीन चार साइनसेस आपके आपके पूरे स्कल में हैं, उस साइनसेस में अगर आपका इंफेक्शन या एलर्जी की इफेक्ट पहुंच जाए तो उसे साइनोसाइटिस बोलते हैं। सो एलर्जिक साइनोसाइटिस भी होता है और वायरल साइनोसाइटिस भी होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, साइनोसाइटिस में लोग हेडेक होता है, साइनस प्रॉब्लम होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन 98% साइनोसाइटिस अगर होता है तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। 98 सिर्फ 2% बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकता है जिस केस में एंटीबायोटिक काम करता है, बाकी 98% केसेस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है साइनोसाइटिस को भी ठीक करने के लिए, राइट? और ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है उनके एलर्जी केसेस में एलर्जिक साइनोसाइटिस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एलर्जीज अस्थमा वाले लोगों में ऐसे चांसेस होते हैं। ऐसे में साइनसेस, साइनस टिश्यूज स्वेलन हो सकते हैं और किसी भी डस्ट, पोलन, स्मोक, किसी भी तरीके की एलर्जी से प्रॉब्लम हो सकती है। सो मोटे मोटे डिफरेंस क्या है कोल्ड एलर्जी और साइनोसाइटिस में, उसको समझते हैं। तो मोटा डिफरेंस ये है कि कोल्ड वाले केस में आप ये देखेंगे कि एलर्जी के जैसे ही आपको सिम्टम शुरू होंगे ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या एलर्जी हुई है कि क्या हुआ है, और उसमें प्लस, क्योंकि एलर्जी वाले केस में नाक बंद होना, छींक आना, स्नीजिंग आना, या वॉटरी या इचिंग आईज में अजीब सा वॉटरी इचीनेस होना, इसको अगर सिर्फ इतना है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। इसके साथ अगर आपको गला भी खराब हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, फीवर जैसा आ रहा है, फीवर लग रहा है या फीवरिश लग रहा है, तो ये एलर्जी नहीं है, ये एक कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है। ऐसा ही आपको किसी प्रकार के कोरोना वायरस इन्फेक्शन में भी लगेगा। अगर जो नया वाला कोरोना वायरस आ गया है उसका भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस ओमिक्रॉन वाला, उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह का कोल्ड वाले सिम्टम्स प्लस बॉडी एक लग सकते हैं उसमें, लेकिन कोल्ड वाले, सोर थ्रोट वाले सिम्टम्स कम है, सिर्फ बॉडी एक ज्यादा फील आता है, लेकिन ये दोनों आ सकते हैं, नया वायरस है, कोई भरोसा नहीं। बाकी कोल्ड और एलर्जी में यही फर्क है, कोल्ड में बॉडी पेन, फीवर और सोर थ्रोट ज्यादा ऐड हो जाएगा, वरना नाक वाले अकेले अकेले सिम्टम्स ज्यादातर एलर्जी के होते हैं। अब उसमें जो ऑनसेट का भी है ना, टाइम का भी फर्क पड़ता है। जैसे ही आप एलर्जी वाले किसी एलर्जन, किसी पोलन ग्रेन, किसी किसी प्रकार के डस्ट या पोलन या स्मोक के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एलर्जी तुरंत शॉर्ट टाइम में ही बिगिन हो जाती है, और जब तक एक्सपोजर रहता है, जब तक उस चीज का आपके संपर्क है तब तक एलर्जी रहेगी, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएगी। जबकि कोल्ड वाली चीज है वो एक बार वायरस अंदर गया तो उससे वायरस को डेवलप होने में कई दिन लग सकते हैं, कभी 2 दिन, कभी 14 दिन, जैसे
कोरोना वायरस का था, कभी 2 से 14 दिन भी लगा, उसके बाद जाके आपके सिम्टम शुरू होंगे, और उसके कई दिनों बाद, हफ्ते दो हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 2 हफ्ते बाद आपके सिम्टम्स क्लियर होने शुरू होंगे, जब आपका बॉडी उस वायरस के खिलाफ एक्ट करने लगेगा। जहां इसके अगेंस्ट साइनस प्रॉब्लम जब आती है, इन दोनों में वायरस या एलर्जी, अगर एलर्जन आपके नाक में जा रहा है और साइनस में घुस गया तो साइनोसाइटिस तक कर सकता है, और वायरस अगर नाक में गया और धीरे 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 साइनस में फैल गया तो साइनोसाइटिस कर सकता है। साइनोसाइटिस में पेनफुल फीलिंग होने लगेगी आपके नाक के आसपास, आपके सर पे, आपके यहाँ पे, इवन इतना है कि साइनसेस जो है वो स्वेल होने लगते हैं और मोटे होके भर जाते हैं, वहां पर म्यूकस भर जाता है, तो हाथ लगाने से भी दर्द होने लगता है। एक्सरे करते हैं पैरानेजल साइनसेस का, तो साइनस भरे हुए दिखाई देते हैं उसमें, तो इस प्रकार की चीज को साइनस कहते हैं। उसमें फिर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी होने लगेगी, और ऑब्वियसली अगर कोल्ड के वजह से है तो फीवर बॉडी एक साथ में रहेगा, एलर्जी की वजह से है तो केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम और नाक में बंद होने लगेगा और सर में दर्द होने लगेगा। तो एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं अगर एकदम से एक्यूट केस में हो रहा है, और मतलब लेस देन 4 वीक्स ड्यूरेशन है सिम्टम्स, 4-1 महीने से के नीचे नीचे आपके सिम्टम्स हैं तो एक्यूट बोलते हैं, और 3 महीने या उससे ज्यादा लंबा अगर आपके सर में दर्द, नाक बंद, ये सब हो रहा है तो उसे क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस नाम की भी चीज है दुनिया में, और ज्यादातर केसेस साइनोसाइटिस के, एक्यूट केसेस साइनोसाइटिस के बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाएंगे, 98% वायरल या एलर्जिक होता है। तो वायरल या एलर्जिक में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, उसमें आपको सिर्फ नाक खुला रखना है। नाक खुला रखने के लिए डीकंजेस्टेंट्स यूज करने होंगे, नेजल स्प्रेज यूज कर सकते हैं, हॉट पैक्स यूज कर सकते हैं, स्टीम यूज कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर यूज सकते हैं, सॉल्ट वाटर से रिंसिंग कर सकते हैं, जल नेति कर सकते हैं, इसी से आपके सिम्टम्स साफ हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव इज कि नाक के अंदर का जो म्यूकस एरिया है, जो नाक के अंदर सिक्रीशंस होते हैं, वो खूंखार और गाढ़े हो रहे हैं, तो इसलिए पानी ज्यादा पीजिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, ठंडा और खट्टे से दूर रहिए और स्टीम लेते रहिए, नाक खुला रखेंगे तो आपके सिम्टम्स वायरस हो या एलर्जिक हो अपने आप चले जाएंगे। वायरस को थोड़ा समय लगेगा, एलर्जी वाला जल्दी चला जाता है। और एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस आप ले सकते हैं अगर आपको पता है एलर्जी है, इवन वायरल इन्फेक्शंस में भी एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दे दी जाती है, जिसमें उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा जाता है। जिनको एलर्जी है वो एलर्जन से पहचान के उससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और जैसा मैंने एलर्जी वाले वीडियोज़ में बताया है कि इम्यूनोलॉजिस्ट से मिल के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जैसे एलर्जी शॉट्स होते हैं, उनको एलर्जी के ट्रिगर से बचने के लिए यूज कर सकते हैं, और एलर्जन को पहचानने के लिए एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं फूड्स एंड एनवायरमेंटल एनर्जी के लिए। तो ये बेसिक चीज आपको समझानी थी कोल्ड एलर्जी और साइनोसाइटिस के बारे में। ठंड आ गई, अपने आप को बचाइए, लोगों को जागरूक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारी मदद करिए। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।